हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन वन के एक टॉपिक टेकअप करेंगे जिसका नाम है विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और अगर संख्या के दृष्टि से देखा जाए तो बीपीएससी में इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आया है। हालांकि विगत वर्षों से इस टॉपिक पर क्वेश्चन आना बंद हो गया, लेकिन चूंकि इस बार आप ऐसा कहा बीपीएससी लिख रहे हो तो मैं इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक रूप में रख रहा हूं और मैं सजेस्ट करूंगा इस टॉपिक को कर लेंगे। ये टॉपिक जैसा कि नाम से बड़ा ब्रॉड है, बहुत ओपन है और जब किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत ही वेग और बहुत ही कह सकते हो सब्जेक्टिव आंसर मिलता है, कोई सॉलिड आंसर नहीं होता है। स्टूडेंट्स को लिखने में बड़ी दिक्कत होती है इस टॉपिक को। एनीवे, तो आप देखोगे इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस आया है बदल बदल के आया है। कभी विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका आया, कभी विकासशील पर समाज लिख दिया, विकसित समाज तो छोड़ दिया, विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका लिखा, फिर लिखा विकसित देश में लोक प्रशासन की परिवर्तित भूमिका लिखा, तो फिर कहीं लिखा लोग, मैंने यहाँ प्वाइंट आउट किया है कुछ क्वेश्चन में देश लिखा, कुछ क्वेश्चन में समाज लिखा, कुछ देश में प्रशासन, कुछ क्वेश्चन में प्रशासन लिखा, कुछ क्वेश्चन में प्रशासक लिखा, कुछ क्वेश्चन में परिस्थिति लिखा, कुछ क्वेश्चन में भूमिका लिखा, बदलती भी रहा। तो इस तरह से इस टॉपिक को वर्कआउट करने के लिए आपको ना किताब पढ़ने के अलावा अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसा कि लोक प्रशासन, जैसा कि आप जानते हो, एक सार्वभौमिक प्रकरण है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहीं भी चले जाइए, चाहे विकसित देश चले जाइए, चाहे विकासशील देश चले जाइए, चाहे आप एशिया में रहें, चाहे अफ्रीका में रहें, चाहे आप मुगल प्रशासन की बात करें या मौर्य प्रशासन की बात करें, सभी में प्रशासन लोक प्रशासन रहा है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रशासन, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बतलाया था कि यह जो है शासन को क्या देता है, या आधुनिक समाज का, आधुनिक लोक प्रशासन, आधुनिक समय में कह सकते हो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, आधुनिक समय में राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शासन को आधार प्रदान करता है, यह शासन द्वारा निर्धारित नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वयन का माध्यम है, उपकरण है। यह जो है समझ लीजिए देश की अखंडता और एकता की रक्षा करता है, यह देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, या समाज में बुनियादी सेवा जैसे बिजली, पानी, सड़क जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करता है। आप कह सकते हैं यह जो है समाज में निरंतरता बनाए रखता है, समय और परिवर्तन करता है, या समाज में नवाचार का सृजन करता है। तो इस हिसाब से आज देखोगे कि आधुनिक समय में प्रशासन का, लोक प्रशासन का कहीं कोई विकल्प नहीं है। इसकी भूमिका और इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि आज इसके बगैर मानवीय जीवन की संकल्पना संभव नहीं है। तो उस परिस्थिति में विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी देशों में लोक प्रशासन की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप अमेरिका का ले लो, फ्रांस को ले लो, भारत को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, कोई भी देश ले लो, क्या वहाँ की व्यवस्था बगैर प्रशासन संभव है? बिल्कुल नहीं। खासतौर पर आज तो देखो जो कोरोना वायरस के चक्कर में जो पूरा विश्व उलझा हुआ है, उसमें तो प्रशासन की महती भूमिका और आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गया है। तो आपसे मोटा मोटी लोक प्रशासन का इन जनरल परिचय अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे कि लोक प्रशासन वर्चुअली राजकीय प्रशासन को कहते हैं, या सरकार के निर्देशन नेतृत्व में संपन्न प्रशासन को कहते हैं, समझे, या जो है कह सकते हो समाज के बुनियाद, समाज में मतलब कह सकते नागरिक महत्व के कार्यों को मैनेज करता है, या आधुनिक समय में
राज्य का अभिन्न अंग है या शासन का शासन को आधार प्रदान करता है या क्रियान्वयन के उपकरण के रूप में काम करता है या देश में अखंडता एकता की रक्षा करता है या समाज में अमन चैन बनाए रखता है या देश में हमारे बुनियादी आवश्यकता की आपूर्ति करता है या समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करता है या आपको समझ रहे समाज में निरंतरता भी बनाए रखता है, परिवर्तन भी लाता है और नवाचार और नए प्रयोग को जन्म देता है। तो इस प्रकार आप देख लो कि आज लोक प्रशासन आपके हर एक व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। इसका महत्व इसके भूमिका व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त कार्य व्यवहार को प्रभावित करने के है। तो उस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन के महत्व को, लोक प्रशासन के भूमिका को, लोक प्रशासन के कार्यों को रेखांकित करना बहुत ही कठिन हो जाता है, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन का विकसित और विकासशील दोनों देशों में भूमिका है। विकसित देशों और विकासशील देशों में थोड़ा बुनियादी फर्क है और चूंकि दोनों देश अलग है तो लोक प्रशासन का स्वरूप भी इन दोनों देशों में थोड़ा अलग है और भूमिका और कार्य भी अलग है। तो मैंने यहाँ पर दो तीन चीजों को ध्यान में रखने और समझने के लिए कहा है। सबसे पहला, जब देश कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है और जो समाज कहा जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ। जैसे कि आप जानते हो वैसे तो दोनों सापेक्षिक संदर्भ में इस्तेमाल होता है। जैसे भारत जैसे विशाल देश में कई समाज के या कई विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, ये भी कह सकते हो। और जैसे उस दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो समाज व्यक्ति से बनता है समाज और समाज के बहुत सारे घटक रहते हैं और एक घटक का नाम है राजनीतिक समाज, उसी को हम राज्य या उसी को हम देश कहते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए, उत्पत्ति के दृष्टि से देखा जाए तो समाज का एक घटक कौन हो गया, राज हो गया। लेकिन आम बोलचाल में हम क्या समझते हैं कि भारत जैसे देश में बहुत सारे विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, कोई कृषक समाज है, कोई जनजातीय समाज है, कोई औद्योगिक समाज है, कोई क्रेव कह सकते हैं हिंदू समाज है, कोई मुस्लिम समाज है, तो हर तरह के समाज के लोग रहते हैं। तो उस हिसाब से समाज और देश का मतलब केवल यही हुआ कि जब देश बोल रहे हो तो एक राजनीतिक सीमा के अंदर बोल रहे हो और जो समाज बोल रहे हो वो थोड़ा खुला हो जाता है, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, थोड़ा कैसे वेट टाइप का लगता है। अब रही बात लोक प्रशासन और लोक प्रशासक में क्या फर्क हुआ, तो लोक प्रशासन तो एक इंस्टीट्यूशन को कहते हैं और जो उस कार्य को करता है उसको लोक प्रशासक कहते हैं। जैसे जिला प्रशासन और जिला प्रशासक, यहाँ पर थोड़ा फर्क करना पड़ेगा कि जिला प्रशासन का काम अलग होता है और जिला प्रशासक का काम अलग होता है। जिला प्रशासन का काम होता है जिला के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाना और जिला प्रशासक का काम क्या होता है, यह सुनिश्चित करना कि जिला प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से करे। यानी जिला प्रशासक का काम जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना और जिला प्रशासन का काम नागरिक महत्व के कार्यों को संपन्न करना है। तो प्रशासन और प्रशासक में थोड़ा बुनियादी फर्क है और उसको समझ कर अगर देखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन आंसर होगा, क्लियर है। तीसरा जो है परिस्थिति और भूमिका का मतलब क्या होता है, परिस्थिति मतलब तो स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या होता है। आप रेलवे में जब रिजर्वेशन कराते हो तो स्टेटस हमेशा चेक करते रहते हो, खास तौर पर जब आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में रहता है या आरएसी में रहता है तो बोलो हम क्या स्टेटस है, मतलब कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो यह स्टेटस का मतलब क्या होता है, परिस्थिति अभी अवस्थिति क्या है। इसका मतलब है कि भारतीय प्रशासन का या प्रशासकों का अवस्थिति अलग अलग रहा है। जैसे 1950 में भारतीय प्रशासन और 2020 में भारतीय प्रशासन, दोनों में कुछ फर्क है या नहीं है। 1950 में जिला प्रशासक और 2020 में जिला प्रशासक के परिस्थिति बदला है कि नहीं, लोकस बदला है कि नहीं, ये बतलाना है। तो परिस्थिति हुआ उसका स्थान और भूमिका क्या हुआ, और सामाजिक
समाजशास्त्री आवरण जो ढक रखा है। जैसे अभी मैं आपके साथ एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा हूँ, लेकिन अपने परिवार में मैं एक सदस्य की भूमिका निभाता हूँ। आप भी हमारे सामने अभी एक छात्र की भूमिका में, लेकिन आप केवल छात्र की ही भूमिका नहीं निभाते, अपने दोस्तों के साथ मित्र की भूमिका निभाते हैं और अपने परिवार में सदस्य की भूमिका निभाते। तो लोक प्रशासन भी बहुत सारे भूमिका निभाता है, समझ रहे हैं। जैसे आप देखते, मैंने कोई भूमिका यहाँ पॉइंट आउट किया है, अभिकर्ता की भूमिका, प्रेरक भूमिका, उपलब्धकर्ता की भूमिका, नियामक भूमिका, पहलकर्ता की भूमिका, ऐसा विभिन्न भूमिका है। ऐसे अगर आपको देखते हो, कभी मोदी या प्रधानमंत्री को देखते हो टीवी पर, तो कभी आपको अभिभावक के रूप में नजर आते हैं, तो कभी कह सकते हैं राष्ट्र निर्माता के रूप में नजर आते हैं, तो कभी वे कह सकते हो कि एक आम नागरिक के जैसा रिस्पॉन्ड करते, कभी पुत्र के जैसा भूमिका निभाते नजर आते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति अनेक भूमिका निभाता है। एक भूमिका को और नकारात्मक और सकारात्मक दो वर्गों में बांट कर भी देख सकते हो, और भूमिका को चाहो तो आप चार सेक्शन में बांट करके देख सकते हो। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में क्या भूमिका हुआ, राजनीतिक संदर्भ में क्या भूमिका हुआ, आर्थिक विकासात्मक संदर्भ में क्या भूमिका हुआ और प्रशासनिक संदर्भ में क्या भूमिका हुआ। तो इस तरह से व्याख्या कर क्या रहेगा ना, तो आपके लिए आंसर लिखना आसान हो जाएगा, समझ रहे। तो हम लोग अभी जरा डिस्कस करते हैं, विकसित देश यदि आप किसी को कहते हो तो इसका मतलब क्या होता है, और विकसित देश में लोक प्रशासन की क्या भूमिका और कार्य है। जैसा कि विकसित देश अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब हो रहा है अभी के तारीख में पश्चिमी यूरोपीय देश हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अर्थात वे देश जो औद्योगिक प्रधान देश है, क्लियर है। ये देश मतलब कह सकते हैं इनको पश्चिमी देश भी कहा जाता है। पूरब पश्चिम एक फिल्म बना था मनोज कुमार के द्वारा, आपने देखा था इस फिल्म को, बहुत अच्छी फिल्म थी। पूरब किसको दर्शा रहा है, विकासशील देश को, और पश्चिम किसको दिखला रहा है, विकसित देश को। हम लोग नहीं बोलते ईस्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पिछले दिनों सरकार का रहा। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब अपने जो पूर्वी देश है उनके तरफ देखना, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब उधर आचरण करना, व्यवहार करना हुआ। तो उस हिसाब से हम ईस्ट वेस्ट के बीच में घूमते रहे। तो हम लोग अभी बात किसका कर रहे हैं, जब विकसित देश का बात कर रहे हैं तो हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं, औद्योगिक प्रधान देशों की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, हमें एशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। समझ में आएगी आपको, यह सब विकसित देश है और ये बड़ी पहले से स्वतंत्र हुए, कोई नया ये देश नहीं है कि आज डेवलप हुए, ये बहुत पहले स्वतंत्र हो चुके हैं, और यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो है ना पूरी हो चुकी है, लगभग पूरी हो चुकी है। राष्ट्र निर्माण किसको कहते हैं, राष्ट्र निर्माण कहते हैं कि जो देश भौगोलिक रूप में टुकड़ों में बटा होता है उसको भौगोलिक और भावनात्मक रूप से एक धागा में पिरो लेना, और राष्ट्र की धागा में पिरो लेना। जैसे देखते हो कि भारत 1947 में आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ उस समय यह मतलब विभिन्न भागों में बटा हुआ था, कुछ ब्रिटिश प्रांत में, कुछ देशी रियासत में, कुछ भारत के साथ जुड़ना चाह रहे थे, कुछ भारत से अलग अलाप रहे थे, कुछ स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। तो इस परिस्थिति में क्या था, नेहरू और पंडित नेहरू को ले लिया जाए और सरदार पटेल को ले लिया जाए, इन लोगों ने भारत में राष्ट्र निर्माण के बीड़ा उठाया। पटेल ने भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ा और पंडित नेहरू ने भावनात्मक रूप से जोड़ा। इन दोनों के कार्य को आप किस श्रेणी में रख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के कार्य। तो राष्ट्र निर्माण पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में बहुत पहले हो चुका है और पूर्ण हो चुका है, क्लियर है। भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक रूप से लोग एकजुट है और सबल है इस मायने में राष्ट्र के प्रति। अब है क्या, इन देशों में आप देखते हो आधारभूत संरचना का भी पुख्ता विकास हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, बिजली, पानी, सड़क और भी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है
पूरी तरह डेवलप हो गया, क्लियर है। इन देशों का अगर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए, आर्थिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए, तो आपको वहाँ कुछ विकसित विकासशील देशों से अलग मिलेगा। इन देशों का सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश होगा, स्वरूप होगा, वह कैसा होगा? आधुनिक होगा, पढ़ा लिखा होगा, समर सजग होगा, सक्रिय होगा, आधुनिक मूल्यों पर आधारित यहाँ की समाज। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार और कर्तव्यों से अवगत हैं, समय जनसंख्या कम है, समय और जो लोग हैं वे लोग पूरा मतलब समय तौर तरीका समझते हैं और उसी हिसाब से जीते हैं। समय यहाँ पर आप देखते होंगे नातेदारी है, लेकिन नातेदारी की भूमिका कम ही है, कम महत्वपूर्ण है। और आप देखते हो कि इन देशों में जो होता है मतलब आधुनिकता सब जगह व्याप्त होता है, तो आधुनिकता सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आप व्यापक रूप से देख सकते हो। और यहाँ पर एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलता है कि इन देशों में एक बड़े संख्या में सब समाज यानी कि सोशल सिविल सोसाइटी का एग्जिस्टेंस होता है, गैर सरकारी संगठने होती है, निजी संगठन होती है, स्वैच्छिक संगठने होती है जो अपने हिस्से का काम बेहतर ढंग से करती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी नहीं रहता है, लोक प्रशासन अपेक्षाकृत स्वतः कम मतलब इन्वॉल्व रहता है। और उसका काम क्या रहता है, केवल उसका काम रहता है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो सब समाज काम कर रहा है उसे क्या देना, उसे प्रेरित करते रहना, उसे संसाधन उपलब्ध कराना, उन पर नियमन करना वगैरह वगैरह। यानी काम यहाँ पर क्या है लोक प्रशासन का, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष है, तो मोटा मोटी अप्रत्यक्ष रहता है। विकसित देशों में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन का भूमिका अप्रत्यक्ष रहता है, क्योंकि वहाँ सब समाज वगैरह काम कर रहे होते हैं, गैर सरकारी संगठन काम कर रहे होते हैं, और लोक प्रशासन केवल प्रेरक के रूप में, उपलब्धकर्ता के रूप में, प्रायोजक के रूप में, नियामक के रूप में उन्हें फैसिलिटेट करते रहता है। क्लियर है, देर इज नो कन्फ्यूजन। इन देशों का यानी विकसित देशों का जो अर्थव्यवस्था होता है वह भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ आधारभूत संरचनाएं बनी हुई है, सड़क अच्छी है, बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त है, सामाजिक आधारभूत संरचना बेहतर है, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, क्लियर है। उसके बाद आप देखते हो कि निजी क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बाजार तंत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। तो इस पर निर्धनता बेरोजगारी वगैरह अपेक्षाकृत कम होता है, आय और क्षेत्रीय विषमता भी अपेक्षाकृत कम होता है। तो इन देशों में लोक प्रशासन को समय रहना विकासात्मक मतलब आर्थिक क्षेत्र में क्या वितरणीय भूमिका निभाना पड़ता है, नियामकीय भूमिका निभाना पड़ता है। नियामकीय भूमिका कैसे हुआ, नियामकीय भूमिका का मतलब ये हुआ कि जो निजी क्षेत्र काम कर रहे हैं, बाजार तंत्र काम कर रहे हैं, वह देश के सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहे हैं, यानी विधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, यानी मनमाना तो नहीं कर रहे हैं, निजी हित के बढ़ाने की मतलब फितरत में तो नहीं लगे हुए हैं, लोकहित की उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं। तो आर्थिक विकासात्मक क्षेत्र में भी लोक प्रशासन अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, वहाँ मेन भूमिका बाजार और निजी क्षेत्र निभाते हैं, और लोक प्रशासन उनको सहयोग करता है, उन पर मार्गदर्शन करता है, उन पर नियमन करता है, उन्हें जरूरत पड़ने पर सहयोग भी देता है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था अमेरिका में, समय रिसेशन 2008 में, तो सरकार ने बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए, बहुत सारे जो पैसा सुविधाएं शुरू में देती थी उसको देना रोक दिया, जो आउटसोर्सिंग कर रही कंपनियां थी उन पर कड़ी चेतावनी दिया और कहा कि अगर आप आउटसोर्सिंग करोगे तो मैं आपको वित्तीय सहायता नहीं दूंगा। इस प्रकार आप देखते हो कि लोक प्रशासन का आर्थिक विकासात्मक क्षेत्र में विकसित देशों में जो भूमिका होती है और प्रत्यक्ष स्वरूप का होता है, नियामकीय स्वरूप का होता है, और जरूरत पड़ने पर क्या होता है, सहयोगी स्वरूप का होता है। विकसित देशों में आप देखोगे कि जो राज्य व्यवस्था होता है, राजनीतिक व्यवस्था,
काफी बेहतर होता है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है, लोग अपने अधिकार से परिचित होते हैं, लोग अपने कर्तव्य से अवगत होते हैं, राजनीतिक दल भी कम है संख्या में और वे काफी सबल है, शिक्षित है, सजग है, उन्हें नीति बनाने की जानकारी है, उन्हें शासन चलाने की जानकारी और वे बेहतर शासन कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में तो लोक प्रशासन को क्या होता है कि चूंकि जनता भी सजग है, अपने अधिकार से अवगत है, राजनीतिक व्यवस्था भी बेहतर है, तो इस परिस्थिति में लोक प्रशासन को केवल उन्हें सहयोगी की भूमिका निभाना पड़ता है, उन्हें नीति निर्माण करने में, उन्हें संसदीय दायित्व के निर्वहन करने में, हमारे उन्हें हमारे क्रियान्वयन में है, उनके नीतियों और निर्णयों के क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ता है। आप देखते हो राजनीतिक संदर्भ में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका रहता है, क्योंकि राजनीतिक कार्य राजनीतिक व्यवस्था खुद करने में सक्षम है या जनता वहाँ अपने अधिकार और कर्तव्य से अवगत है और वह उस कार्य को खुद कर सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा लोक प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होने का, बहुत ज्यादा इसमें दखलंदाजी करने का जरूरत नहीं होता है। अब रेवत प्रशासनिक भूमिका प्रशासनिक संदर्भ में इन देशों का जो प्रशासनिक तंत्र होता है एक पश्चिमी मतलब कह सकते हो काफी डेवलप होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा या आप जानेंगे कि यहाँ पर जो नौकरशाही होता है, यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र हुआ मैक्स वेबर के नौकरशाही के प्रतिमान के अनुरूप रहता है। नौकरशाही व्यवसायिक है, नौकरशाही दक्ष है, नौकरशाही कार्यकुशल है, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है, आधुनिक मूल्यों से ओतपोत है, अपने अधिकार और कर्तव्यों से अवगत है, अपने मर्यादा को समझती है, अपनी भूमिका और कार्य का बेहतर ढंग से निर्वहन करने में सक्षम है। तो इस परिस्थिति में प्रशासन में बहुत ज्यादा फेरबदल करने का, प्रशासन में बहुत ज्यादा नवाचार लाने का, प्रशासन में बहुत ज्यादा सुधार करने का गुंजाइश नहीं होता, धीरे धीरे अपने आप होते रहता और दुरुस्त भी रहता है। तो इस परिस्थिति में आप क्या देखते हो कि विकसित देशों में लोक प्रशासन की जो भूमिका होती है सामाजिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक विकासात्मक और प्रशासनिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष स्वरूप का होता है, सहयोगी स्वरूप का होता है, नियामकीय स्वरूप का होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि वहां पर दूसरे अभिकरण अपने अपने हिस्से का काम करने में सक्षम है, इसलिए लोक प्रशासन जो है वहाँ केवल जो तत्कालिक महत्व के विषय होते हैं उस पर ज्यादा सजग रहता है, फोकस रहता है और उन सब कार्यों को इन कार्यों के अलावे संपन्न करता है। इस उदाहरण के तौर पर आई विकास विकसित देशों में देख रहे हो आतंकवाद बड़े पैमाने पर बढ़ गया, आई विकसित देशों में देख रहे हो कि आया विकसित देशों में देख रहे हो स्वास्थ्य के लिए नए नए समस्याएं उत्पन्न, नए नए बीमारी उत्पन्न हो रहा है, आया देख रहे लोगों में समझ रहे हैं कि वहाँ फिटनेस का अभाव होता जा रहा है, समझ रहे लोग लेजी टाइप के हो गए हैं, सुस्त टाइप का हो गए हैं। पिछले दिनों आप देख रहे हो उनका जो विकास का जो ग्राफ है अब रेट्रो पे जा रहा है और पीछे मुड़ने के प्रक्रम में हो रहा है, अब उन्हें बहुत सारे चीज जो वर्षों से जिनका उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा फिर से वो रीअसर्ट कर रहा है और उन्हें फिर से खड़ा होने और फिर से संघर्ष करने के लिए दबाव बना रहा है। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में आप देख रहे हो कि विकसित देशों का जो पूरा नक्शा ही प्रभावित हो गया है, आज क्या विकसित देश और क्या विकासशील देश सब एक समान रूप से उससे जूझ रहे हैं। आज विकसित देश के समक्ष कोरोना वायरस जैसे समस्या से निपटना, आतंकवाद से निपटना, साइबर क्राइम से निपटना, नए नए प्रकार के रोग और व्याधि से निपटना, समय फिर नया नवाचार करना। अभी पिछले दिन आपने देखा होगा कि जो जीत मतलब विकसित देशों का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें जो बातें छन कर आ रही है उससे क्या असर है, पहले देखते हो गए 90 के दशक में उदारीकरण वैश्वीकरण निजीकरण हुआ और इधर 2020 में आप क्या देख रहे हो, हम उससे रिवर्ट हो गए, आज सब देश अपने हितों को ही देख रहा है और अपने संरक्षणवादी नीति को अपना रहा है। जहाँ अमेरिका में जो वीजा अधिनियम में परिवर्तन और दूसरे देशों में भी आप देख रहे हो, गल्फ में देख लो चाहे और के दूसरे देश में देख लो कि अब जो है कि बाहर जो मतलब कह सकते हैं ना एक्सोडस कह सकते हो या फिर पलायन वाली जो है आउटसोर्सिंग वाली बातें
अब धीरे कमजोर पड़ रही है और विकसित देश में भी अब संसाधन को लेकर प्रतिस्पर्धा हो रही है, समझ रहे हैं, रोजगार को लेकर सरकार पर दबाव है, नए नए समस्या और चुनौती के आगमन से सरकार लगातार संघर्ष कर रही है। किस प्रकार आई देखो कि विकसित देशों में लोग प्रशासन अद्यतन महत्व के कार्यों पर ज्यादा इन्वॉल्व है और उसका सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक परिदृश्य वगैरह के संदर्भ में जो भूमिका थोड़ा विकासशील देशों के संदर्भ में कम है। क्लियर है? तो अभी हमने किसके बारे में आपको बताया, विकसित देशों के बारे में बताया। जब हम विकासशील देशों के बारे में बात करते हैं तो विकासशील देश का मतलब क्या होता है? जब इस विकासशील देश को हम अल्पविकसित देश कह सकते हैं, विकासमान देश कह सकते हैं, एशियाई अफ्रीकी देश कह सकते हैं, तृतीय विश्व के देश कह सकते हैं, नौ स्वतंत्र देश कह सकते हैं। ये लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन रहे हैं और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं। समझे, से इंडिया को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुए और उपनिवेशवाद के दौरान इनका समस्त सामाजिक आर्थिक ढांचा को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया और इन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या मिला है? उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र मिला है और अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं मिली है विरासत के रूप में। जैसे भारत जब आजाद हुआ तो अंग्रेज भारत में क्या छोड़कर गए? केवल उन सब चीज को जिन्हें वो ले नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने भारत में बेरोजगारी, निर्धनता, अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं और अपना उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र छोड़ के चले गए, कोहिनूर ले गए और समस्याओं को छोड़ गए। समझे, टूट फूट करो, शासन करो वाला और ही बहुत सारी चीज जो आज भारत झेल रहा है वो ब्रिटिश शासन काल का ही देन। क्लियर है? तो इन देशों को, विकासशील देशों को एशियाई अफ्रीकी देश कहते हैं, तृतीय विश्व के देश कहते हैं, नौ स्वतंत्र देश कहते हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं और इन देशों में राष्ट्र निर्माण और विकास, वो भी विकास तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास, दो महत्वपूर्ण प्राथमिकता। समझ रहे हैं? इन दोनों देशों, इन सब देशों में क्या है, राष्ट्र निर्माण हो यानी भौगोलिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से जो भूभाग है उसको एक राष्ट्र के रूप में पिरोना और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके, संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। भारत को ही ले लो, मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत को विरासत में क्या मिला, उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र और अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं। भारत राष्ट्र निर्माण का काम शुरू किया किसके मार्गदर्शन में, संविधानवाद हुआ, आपने देखा अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान बना, पटेल ने भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ने का काम किया और पंडित नेहरू ने मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ने का काम किया, राष्ट्र निर्माण का काम इधर और फिर 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया, 1950-51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया। इस प्रकार आपने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास दोनों के दिशा में कदम बढ़ाए। क्लियर? तो आप देखते हैं कि विकसित विकासशील देशों के समक्ष राष्ट्र निर्माण करना और तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास करना दो महत्वपूर्ण प्राथमिकता है जो विकसित देशों में नहीं है, क्योंकि विकसित देशों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास पर्याप्त रूप से दर्ज हो चुका है। क्लियर? देरी नो कन्फ्यूजन। तो इन देशों में, विकासशील देशों में, सारे लोक प्रशासन को व्यापक भूमिका और कार्य संपन्न करना होता है। जैसा कि इन देशों में दूसरे अभिकरण उतने बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं तो ले देकर लोक प्रशासन पर ही निर्भरता रहता है। अब आए दिन देखते रहते होंगे, भारत को ही ले लो, भारत विकासशील देश का आदर्श रूप है और यहाँ पर एक चीज मार कर दो, जो कुछ होता है सरकार को ही लोग कोसते रहते हैं, लोक प्रशासन को ही कोसते रहते हैं। अभी जो भी लोगों का समस्या होगा सब मोदी को या नीतीश कुमार को ही गाली देते रहते हैं, है कि नहीं? सोशल मीडिया पर एक से एक पोस्ट देखोगे, जैसे लग रहा है कि इतने समस्या का जल मोदी है,
आपने इतने परिवार डेवलप कर लिए, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, सरकार द्वारा चलाया जा रहे कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाए, इसमें सरकार का क्या कसूर है? आपको अपने चाहिए ना, भगवान भी उसी को हेल्प करता है जो खुद को हेल्प करता है। बताए कि नहीं सुने, नहीं सुने तो आप चाहोगे सरकार आपके मुंह में आके रोटी दे दे, ये तो बड़ा मुश्किल वाली बात। आदर्शात्मक रूप से तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से संभव है? इतनी बड़ी विशाल देश में बहुत मुश्किल वाली बात कह रहा हूँ, बहुत अलग चीज है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन पर बहुत दबाव रहता है, क्योंकि वहां पर इन देशों में आधारभूत संरचना भी नहीं है, सामाजिक आर्थिक विकास की आवश्यकता भी है, और लोग सामाजिक और भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक दोनों रूप से अभी जुड़ने के परक्रम में ही है, अभी तक जुड़े भी नहीं है, जुड़ रहे हैं, समझ रहे? इस कारण क्या होता है, यहाँ लोग प्रशासन पर बहुत दबाव रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। इन देशों में यानी विकासशील देशों में सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश होता है वह पारंपरिक मूल्यों पर निर्मित होता है। हमारे यहाँ पर जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि का, नस्ल का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। लोग निराक्षर हैं, लोग अपने अधिकारों से, कर्तव्यों से अवगत नहीं होते हैं, लोग असंगठित हैं, लोग रूढ़िवादिता में, अंधविश्वास में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और क्या देखते हो कि यहाँ पर सब समाज भी नहीं है, बड़े मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस कम है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भी, तो सब खाओ पकाओ प्रकृति का। तो स्थिति में क्या होता है, ले जाके लोक प्रशासन को ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में भूमिका निभाना पड़ता है, लोक प्रशासन को आगे आना पड़ता है, प्रत्यक्ष भूमिका निभाना पड़ता है, अधिकर्ता की भूमिका निभाना पड़ता है, पहलकर्ता की भूमिका निभाना पड़ता है, उसे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना होता है, उसे रूढ़िवादिता अंधविश्वास इत्यादि को दूर करने का प्रयास करना होता है, उसे लोगों में समाज में आधुनिक मूल्यों का समावेश करना होता है, उसमें समाज में जो अन्याय की स्थिति है, मतलब जिन कुछ कई वर्ग है जो सामाजिक अधिकारों से वंचित है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना पड़ता है, और सब समाज, गैर सरकारी संगठन इत्यादि को आगे आने के लिए संसाधन और ताकत प्रदान करना पड़ता है। तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन को अधिक भूमिका निभाना पड़ता है विकसित देशों के मुकाबले, क्योंकि विकसित देशों में सब समाज होती है, विकासशील देशों में सब समाज का अभाव होता है, और होता भी है तो प्रभावी नहीं होता है। इस कारण ले देकर लोक प्रशासन को ही आगे आना पड़ता है, उसे एक तरफ अंधविश्वास रूढ़िवादिता को दूर करना है, दूसरे तरफ उसे समाज में आधुनिक मूल्यों का समावेश करना है, तीसरा उसे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना है, चौथा उसे समाज में कमजोर और दुर्बल वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, और पांचवा उसे समाज के कमजोर और दुर्बल समाज के में सब समाज यानी गैर सरकारी संगठन और सब स्वैच्छिक संगठनों को आगे आने के लिए प्रेरित करना होता है। लोक प्रशासन का विकसित देशों के तुलना में विकासशील देशों में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भूमिका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में ज्यादा होता है। अब जरा देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में विकसित विकासशील देशों की क्या वस्तु स्थिति है। देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए ना आपको ज्यादा किताब पढ़ने के बाद अपने बिहार को देख लो, अपने भारत को देख लो, तो बहुत सारा तस्वीर क्लियर हो जाता है। अभी भारत मतलब विकास मतलब की जो भारत की जो वस्तु स्थिति पिछले दिनों लॉकडाउन में देखने को मिली, एकदम बिल्कुल सही तस्वीर प्रकट करता है। कितना विकास अभी भी उपेक्षित है, अभी भी लोग कितने सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अभी भी कितने आबादी है जिनको दो जून रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 15 दिन अर्थव्यवस्था को अपना अपने ऊपर चला नहीं सकते हैं, समझ? डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो इस हिसाब से इन देशों का वस्तु स्थिति लगभग विकासशील देशों का सबका ही कुछ हाल है। यहाँ पर आप देखते हो कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आर्थिक मतलब आधारभूत संरचना का अभाव है,
समझ रहे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्षेत्रीय और आय की विषमता है, और फिर निर्धनता भी व्यापक है। निर्धनता आपने पढ़ा होगा कि निर्धनता दो प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जब आप बेसिक आवश्यकता पूरा न कर पा रहे हो तो ये एब्सोल्यूट हो गया, दूसरे के तुलना में आप थोड़ा कमजोर हो तो ये रिलेटिव हो गया। तो रिलेटिव तो चलेगा, लेकिन इन देशों में क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, कि लोगों को खाने का पैसा नहीं। कल मैं टीवी पर देख रहा था, बिहार का ही किसी गांव के बारे में दिखला रहा था कि बच्चे जो है बतला रहे थे कि लॉकडाउन के वजह से या लॉकडाउन के वजह से खाने घर में नहीं है, और वो खेतों में जाकर बेंग पकड़ के, बेंग समझते मेढक, मेढक पकड़ के ला रहे हैं, उसी को मार के कचकार पका के खा रहे। तो आप समझ सकते हो कितनी वस्तु स्थिति खराब, क्लियर है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो आपने यहाँ पॉइंट आउट किया, इन देशों में आधारभूत संरचना का अभाव है, निर्धनता व्यापक है, बेरोजगारी व्यापक है, आय और क्षेत्रीय विषमता बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के पास पैसा संसाधन बहुत ज्यादा है, और अधिकांश लोगों के पास संसाधन का अभाव है, समझ रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, समझ रहे। तो क्या हो रहा है कि पलायन लोग बड़े शहर दूसरे शहर में कर जा रहे हैं, बड़े शहरों में अब संतुलन की स्थिति बनी हुई है, समझ रहे। तो इन देशों में लोक प्रशासन को नेतृत्वकारी भूमिका निभाना पड़ता है। इन देशों में लोक प्रशासन, निजी क्षेत्र भी बहुत लचर पचर है, और सब समाज का बाजार तंत्र का थोड़ा कमी है। तो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के कमी होने से, बाजार तंत्र के प्रभावी रूप से ना काम करने से खुद सामने आना पड़ता है और नेतृत्वकारी भूमिका निभाना पड़ता है। तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन आर्थिक क्षेत्र में निर्धनता और बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाती है, विकास कार्यक्रम चलाती है, समझे, फिर आप समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है, सड़क बिजली पानी जैसे आधारभूत संरचना का निर्माण करती है, समझे, देश में जो आर्थिक संसाधन है उसका समुचित वितरण सुनिश्चित करती है, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करती है, और निजी क्षेत्र और बाजार क्षेत्र को आगे आने के लिए सहयोग देती है। तो क्या क्या विकासशील देशों में लोक प्रशासन को विकसित देशों के तुलना में ज्यादा काम करना पड़ता है, पहला आधारभूत संरचना का निर्माण करना, दूसरा निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाना, तीसरा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, चौथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, यानी कि जो संसाधन है वो सभी लोगों पर समुचित रूप से वितरित हो, यह सुनिश्चित करना, और पांचवा निजी क्षेत्र और बाजार तंत्र को सबल बनने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना। ये आर्थिक क्षेत्र में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। रही बात राजनीतिक क्षेत्र में, तो विकासशील देशों के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वे देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए हैं, आधारभूत यहाँ पर जो है इनका उपनिवेशिक अतीत रहा है, और ये हाल के दिनों में लोकतांत्रिक शासन अपनाए, इस कारण क्या देखते हो यार, लोकतंत्र जो है पूरी तरह जमी नहीं है, सतही टाइप का है। लोग लोकतंत्र का मतलब केवल 5 साल में राजनीतिक अधिकार को, मतदान को ही जानते हैं, इसके अलावा और वो किसी चीज को नहीं समझते हैं, अपने राजनीतिक अधिकार को नहीं समझते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं। मतलब लोकतंत्र का बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू लेते हैं। राजनीतिक दल भी इन देशों का बहुत ही लचर पचर है, वे भी बहुत महत्वाकांक्षी है, उत्साही होते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता है, व्यावसायिकता नहीं होता है, वे न तो बेहतर नीति निर्धारित कर पाते, न उन्हें बेहतर ढंग से प्रशासन पर नियंत्रण करने की काबिलियत है। इस कारण क्या होता है, उन्हें पूर्णरूपेण प्रशासन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो प्रशासन का राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो क्या क्या लोक प्रशासन विकासशील देशों में राजनीतिक संदर्भ में काम करता है, वह सबसे पहले देश में एक भयमुक्त और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करता है, दूसरा वह लोगों को अपने राजनीतिक अधिकार से अवगत कराता है, तीसरा वह राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है कि जितने समाज के कमजोर वर्ग हैं, जिनका शासन में भागीदारी नहीं है, उनका भागीदारी सुनिश्चित करता है, चौथा या राजनीतिक व्यवस्था को नीति निर्धारण करने में
मदद करता है, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ, लोक प्रशासन का भूमिका हुआ, या लोक प्रशासन में राजनीतिक व्यवस्था में नवाचार लाने की कोशिश करता है, नया नया परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, सुधारने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन का विकासशील देशों में क्या भूमिका कार्य हुआ, तो महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका हुआ। और क्या काम हुआ, पहला लोकतंत्र को क्वालिटेटिव बनाना, लोगों को राजनीतिक अधिकारों से मर्यादा से अवगत कराना, देश में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करना, लोगों को सामाजिक जवाबदेही का निर्माण करने या राजनीतिक जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना, राजनीतिक व्यवस्था को नीति निर्धारण करने में सहयोग देना, और फिर लास्ट समाज में कमजोर वर्गों को जिनका राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं है उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। और आप कह सकते हो कि नया प्रयोग करना, नवाचार सुनिश्चित करना है, यही बात प्रशासनिक क्षेत्र में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि विकासशील देशों का प्रशासनिक तंत्र उपनिवेशिक, समझ रहे, जो ब्रिटिश देश भारत का ही ले लो, ये भारत का प्रशासनिक तंत्र ब्रिटिश काल में विकसित हुआ है, अभी भी उपनिवेशिक मूल्यों से प्रभावित है। भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देखोगे शासन पर ब्रिटिश कालिक प्रभाव, संस्थाएं, उनके नियम कानून आज भी प्रभावशील है। इस कारण क्या होता है कि विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भूमिका और कार्य बदल गए हैं, प्राथमिकताएं बदल गई है, और प्रशासनिक तंत्र उपनिवेशिक है। तो इस परिस्थिति में लोक प्रशासन को दोहरी भूमिका निभाना पड़ता है कि इन सब कार्यों का निर्माण करने के साथ साथ अपना प्रशासनिक तंत्र को भी दुरुस्त करना होता है। इन देशों में देखोगे, विकासशील देशों के संदर्भ में देखोगे कि जो नौकरशाही या प्रशासनिक तंत्र है ये भी बहुत प्रभावी नहीं है, इनमें व्यावसायिकता का अभाव है, विशेषज्ञता का अभाव है, समझ रहे, ये खुद को अब ब्रिटिश कालिक व्यवस्था के समान अपने आप को स्वामी समझते हैं, समझ रहे, इनमें लोक सेवा के प्रति भावना का अभाव है, समझ रहे, इनका जो कह सकते हैं इनमें आधुनिकता का अभाव है। ये सब कुछ कारण है जिस कारण लोग विकासशील देशों में लोक प्रशासन को अपने व्यवस्था को भी दुरुस्त करना पाता है, प्रशासन में लाल फीताशाही, औपनिवेशिक छाप इत्यादि को दूर करना, फिर आधुनिकता लाना, समय अपने अधिकार और कर्तव्य अपने को व्यवसायिक बनाना, विशेषज्ञ बनाना, ये करना होता है, समय शासन को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना होता है कि सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व। इस कारण विकासशील देशों में लोक प्रशासन को मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, विकासात्मक क्षेत्र के अलावा प्रशासनिक क्षेत्र में भी काम करना पड़ता है। सबसे पहला काम क्या होगा, उपनिवेशिक प्रभाव को दूर करना, दूसरा आधुनिकता लाना, तीसरा व्यवसायिकता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करना, चौथा प्रशासन को संतुलित करना, सभी का समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना, और पांचवा अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना और उसके अनुसार आचरण करना। इस प्रकार आप देखते हो कि प्रशासनिक विकास जिसके बारे में रिक्स बोला था वही सुनिश्चित करना होगा विकासशील देशों में। तो आप देखते हो कि विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका और कार्य में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में फर्क हो जाता है। विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका और कार्य कम है, जबकि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका और कार्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से बहुत अधिक है। कारण क्या है, यहाँ पर सभी क्षेत्रों में कंसर्न जो संबद्ध व्यवस्था नहीं है जो अपने हिस्से का काम कर सके, इसलिए लोक प्रशासन को ही इनके कार्य करने होते हैं, इनके हिस्से का। इस कारण लोक प्रशासन सबसे ज्यादा दबाव में रहता है, सबसे ज्यादा प्रेशर में रहता है। देखते हो कि आज प्रशासन के पुलिस के समक्ष एक काम नहीं है बल्कि अनेकों चुनौती और दबाव रहता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, समझ रहे हैं, विकास प्रशासन को सहयोग भी देना है, नियामक प्रशासन को सहयोग भी देना है,
आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद इत्यादि से निपटना भी है। पारिस्थितिक चुनौती जैसे नए नए तरह के बीमारी और व्याधि उत्पन्न हो रहे उससे भी निपटना इन हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी भूमिका हो जाती प्रशासन और पुलिस की। उस हिसाब से आप देखते हो कि विकासशील देशों में लोग प्रशासन को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में ज्यादा भूमिका निभाना पड़ता है। क्लियर है मेरी नो कन्फ्यूजन? अब यहाँ पर देखो भूमिका तो समझ में आ गया, परिस्थिति भी समझ में आ गई। परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? 1950 में जो कलेक्टर का रोल था वह कैसा रोल था? प्रत्यक्ष रोल था। 2000 में अप्रत्यक्ष हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारे दूसरे एजेंसी भी अपने हिस्से का काम करने आ रहे, इसलिए वह प्रायोजक की भूमिका निभा रहा है, उपलब्धकर्ता की भूमिका निभा रहा है, प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, नियामक की भूमिका निभा रहा है। तो प्रशासक की भूमिका बदली, पहले कर्ता धरता था, पहले प्रत्यक्ष भूमिका निभाता था, पहले वह एकल था, पहले वह हमारे कह सकते हो नियंत्रणकारी भूमिका निभाता था, और आज के तारीख में थोड़ा भूमिका कम हो गया। आज बहुत तंत्रीय व्यवस्था है, प्रतिस्पर्धी भूमिका है, प्रेरक भूमिका है, उपलब्धकर्ता और समय प्रायोजक की भूमिका। आज आप पृष्ठभूमि में नेपथ्य से रहकर काम करते, अपने डायरेक्ट सामने नहीं आते, बल्कि बहुत सारे एजेंट प्राइवेट और सोशल वो लोग काम कर रहे हैं और आप उनको फैसिलिटेट करते हो। इस प्रकार लोग प्रशासन की परिस्थिति बदल गई है। पहले वो सिंगल टन भूमिका के निभाते थे, इकलौता होता थी, और आज बहुत सारे दूसरे एजेंसी भी साथ में काम कर रहे हैं। पहले वो नियामकीय प्रशासन पर पुलिस राज में नियामकीय प्रशासन स्वरूप था, आज विकास प्रशासन में कल्याणकारी राज में इसका भी भूमिका स्वरूप कल्याणकारी और विकासात्मक हो गया। पहले मात्रा भूमिका कम था, आज भूमिका बहुत ज्यादा है। पहले भूमिका बहुत सीमित था, आज बहुत विविध हो गया है। पहले वह प्रत्यक्ष और प्रेरक, प्रत्यक्ष और अभिकर्ता की भूमिका था, आज अप्रत्यक्ष और पहलकर्ता या फिर उपलब्धकर्ता या प्रायोजक की भूमिका है, आज एक प्रेरक की भूमिका निभा रहे। इस हिसाब से विकासशील देशों में, विकसित देशों में वर्तमान में लोग प्रशासन की भूमिका गत वर्षों में बदली है, और आज तो एक महीने में विकसित और विकासशील देश के बीच अंतर भी कमजोर पड़ता जा रहा है। आप देख रहे हो कि जो विश्व में महामारी फैला हुआ उससे क्या विकसित देश और क्या विकासशील देश सभी एक समान रूप से जूझ रहे हैं और सब सहयोग कर रहे हैं दूसरे को। आज जो है देख रहे हो कि विकसित और विकासशील देश लगभग एक समान समस्याओं को झेल रहे हैं, एक समान शासन के और अभिशासन के शासन की ओर बढ़ रहे हैं, और आज जो है विकसित और विकासशील देश जो है आज चर्चा जो विकसित बनाम विकासशील देश का नाम होकर क्या हो सकता है, विकसित सा विकासशील देश हो सकता है। आज दोनों मिलकर आज इन बहुत सारे समस्याओं का निपटारा करने में काम करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। अब पिछले दिनों आप भारत का ये वास्तव से भी देख लो कि काफी अवस्थिति इसकी बदली है, आज इसकी आवाज को लोग सुनते हैं। आज चाइना को ले लो, चाइना भी विकासशील देश है लेकिन अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया को ले लो जो बिल्कुल अब विकासशील देश है लेकिन आज पूरे व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज विकसित और विकासशील देशों का जो पारंपरिक मान्यता थी, अंतर था, वो ढह गया है, और आज जो है दोनों मतलब लगभग एक समान समस्याओं को झेल रहे हैं, एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एक समान वैश्विक अभिशासन की ओर बढ़ रहे हैं, और आज दोनों के समक्ष आतंकवाद, अलगाववाद, पर्यावरण असंतुलन, साइबर क्राइम, कोरोना वायरस एक समान रूप से क्या है, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसी चीज पर आप वर्कआउट करो, अपने लिखना आंसर लिख कर मेरे को पोस्ट करो। ये टॉपिक मैं शुरू में बोला था बहुत ही ओपन है, बहुत ही ब्रॉड है, इसमें सूचना ज्यादा है और लिखना उससे बेहतर है। किताबों मटेरियल आपको ढंग का नहीं मिलेगा, आपको अपने से इसका तैयार करना पड़ेगा। यूपीएससी के सिलेबस में तो अब है भी नहीं, उसको हटा दिया गया, बीपीएससी के सिलेबस में। इसलिए देख रहे हो कि विगत वर्षों में जब से यूपीएससी ने सिलेबस से हटाया
बीपीएससी भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर ये बोलूंगा इस टॉपिक को पढ़िए और इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज आंसर ये लिख के लाना, विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की बदलती भूमिका क्या है, समझ रहे, इसका परीक्षण करें, बदलती भूमिका का परीक्षण करना। ठीक है, आप इसको लिख के लाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, परसों मैं आपके साथ अवेलेबल होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।